छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही में बुधवार को जांजगीर चांपा में डीएमएफ में अनियमितता का मुद्दा उठाया गया, जिसे भाजपा विधायक सौरभ सिंह, नारायण चंदेल और शिवरतन शर्मा ने उठाया। विधायकों के इस सवाल पर सीएम बघेल ने जवाब देते हुए कहा कि कहीं भी गलत हुआ होगा तो अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, उन्हें छोड़ने का काम हम नहीं करेंगे। वहीं नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप ने ध्यान आकर्षण में आया शेडनेट हाउस और हाउस निर्माण का मामला उठाया, जिसमें केशकाल विधायक संतराम नेताम ने जांच की मांग की। लगभग 2000 करोड़ के डीएमएफ का प्रतिवर्ष खर्च किया जाता है और इस डीएमएफ की राशि में किस ढंग से भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके बारे में तो हमने चर्चा ही नहीं की। हमने तो सिर्फ प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है, जो नियम विरुद्ध स्वीकृति की जा रही है उसके बारे में चर्चा की। देखिए, डीएमएफ में इस तरह की कोई मामला नहीं है, भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है। जिस तरह से इन लोग आज बात कर रहे थे, उस तरह का कोई मामला ही नहीं था। 30 करोड़ की स्वीकृति की बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री ने जवाब दिया लगभग 16 करोड़ की स्वीकृति हुई थी। इनके पास कोई तथ्यात्मक जानकारी ही नहीं रहती, कुछ भी बातें कोई कह दिया पेपर